जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बिल्कुल सही पढ़ा आपने कि सांसद रोडमल नागर अब खतरे में हैं। खतरे में आने की वजह उनकी पूरी बताऊंगा। आखिर हमारे ज़िले के माननीय सांसद रोडमल नागर जी है और वो अगर खतरे में हैं और मैं ना बताऊँ तो थोड़ा बात अधूरा लगती है, थोड़ी सी बात अधूरी लगती है। तो पूरी बात सुनिएगा, एनालिसिस करके मैंने पूरा ये रिपोर्टिंग तैयार किया है आप लोगों के लिए और ये डिसाइड करेगा कि आने वाले हमारे सांसद कौन होंगे, हमारे राजगढ़ ज़िले के सांसद कौन होगा या होगी या आने वाले समय में डिसाइड करेगा। लेकिन सांसद रोडमल नागर जी की अभी नींद उड़ी हुई है। नींद उड़ी हुई होने का सीधा सा उदाहरण राजगढ़ की सड़कों पर जो चर्चा चल रही है अभी वर्तमान में, चर्चा क्या चल रही है वर्तमान में, चर्चा चल रही है कि भैया मोना जी सुस्तानी जो है अभी अभी भाजपा में आई है, अभी अभी भाजपा उन्होंने ज्वाइन की है और कई सारे लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि भैया राजगढ़ से उनको विधायकी की कुर्सी दे देंगे या विधायकी का टिकट दे देंगे। कुर्सी तो जनता दे दी है, टिकट दे देंगे तो मोना सुस्तानी जी इसी बलबूते पर, इसी कंडीशन पर जो है गई हुई है। लेकिन साफ साफ तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि मोना सुस्तानी इतनी सस्ती नहीं है, यानी कि उन्होंने काफ़ी सारी सांठ गांठ जो है भाजपा के साथ की हुई है, बीजेपी के साथ की हुई है और ये जो सांठ गांठ है ये राजगढ़ की राजनीति को बिल्कुल पूरी तरह से बदल देगा। मोना सुस्तानी यानी कि जो है वो भीष्म पितामह जो कहे जाते थे हमारे राजगढ़ ज़िले के या मध्य प्रदेश के, जो सदियों से कांग्रेस में रही है, उनका पूरा खानदान कांग्रेस में रहा है, उन्होंने यदि बीजेपी छोड़ी है तो राजगढ़ वालों कुछ ना कुछ सोच समझ कर छोड़ी होगी ना। तो वो सोच समझ कर इसलिए छोड़ी है कि अब उन्होंने, हो सकता है कि राजगढ़ के लिए सांसद का चुनाव लड़ने की ठानी हो या सांसद का चुनाव लड़ने की आला कमान से, भाजपा के आला कमान से बोली हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको ये कमिट कर दिया हो कि अब जो टिकट मिलेगा वो मोना सुस्तानी जी को मिलेगा। यानी कि अगर हमारी भाजपा अब ज्वाइन करती है, ये खुलेआम ऑफर हो सकता है भाजपा की तरफ से मोना सुस्तानी के लिए कि यदि आप हमारी भाजपा ज्वाइन करती है तो निश्चित तौर पर आपको सांसद का टिकट हम देंगे। और सांसद रोडमल नागर का टिकट क्यों काटा जाए, सबसे बड़ी चीज़ है। आखिर सांसद रोडमल नागर ने राजगढ़ का बिगाड़ा क्या है और सबसे बड़ा भाजपा का क्या बिगाड़ा है। 4.5 लाख वोटों से सांसद रोडमल नागर जीते थे, उसके बाद भी उनका टिकट काटा जा सकता है, उनका टिकट खतरे में है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सांसद रोडमल नागर का क्षेत्रीय लेवल पर बहुत ज़्यादा विरोध है और विरोध केवल इसलिए नहीं है, आप ध्यान से समझिएगा इस बात का, विरोध केवल इसलिए नहीं है कि वो कुछ अच्छा ढंग का काम नहीं करवा पाए राजगढ़ ज़िले में। विरोध इसलिए है क्योंकि सांसद रोडमल नागर गांव-गांव में गए नहीं चुनाव के बाद। सांसद जी आपको एक सलाह है, आपके सलाहकारों ने दी नहीं होगी, मैं दे देता हूँ, 23 साल का एक लड़का दे देता है आपको एक सलाह। सांसद जी आपको क्लियर कट एक बात है कि यदि आप गांव विकास करवाए या नहीं करवाए ये राजगढ़ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप राजगढ़ की सड़कों पर राजगढ़ के गाँवों में क्यों नहीं गए। क्या आपको राजगढ़ के गांव वाले इतनी इज्जत नहीं देते हैं? यदि इज्जत नहीं देते तो आप 2 बार के सांसद नहीं होते और यदि आप 2 बार सांसद हैं, 10 सालों तक सांसद हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो कुर्सी है वो खतरे में है। और अभी इसलिए खतरे में है क्योंकि राजगढ़ वाले यही सोचते हैं कि हमारे गाँव में भैया सांसद साहब आए ही नहीं, ये आपकी मेन कमी है। और यदि थोड़ा बहुत भी यदि आप आपकी कुर्सी को बचाना चाहते हैं, आपको अपने आप पर विश्वास भी है, आप यदि चुनाव लड़ने की सोच भी रहे हैं तो आप गांव-गांव में एक बार घूमिए, कैंपेन ही चला दीजिए, पूरा बदल दीजिए सब कुछ, जो भी चीज़ें आपके माइंड में हैं आप कैंपेन ये चलाइए कि मैं गांव-गांव में घूमूंगा, गांव-गांव की सड़कों पर जाऊंगा और गांव-गांव में लोगों से मिलूंगा और बातचीत करूंगा, क्योंकि आपका ग्रामीण लेवल पर तो वाकई में विनाश है पूरी तरह से। तो इस विनाश को आप रोकेंगे ऐसी उम्मीद भी है। और ये सांसद रोडमल नागर जी जो है वो खतरे में इसलिए क्योंकि मोना सुस्तानी अब बीजेपी में एंट्री मार चुकी है। और एंट्री मारने का सबसे बड़ा कारण क्या है, एंट्री मारने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इनकी बीजेपी के साथ साठगांठ हो सकती है, क्योंकि ये कोई मामूली परिवार से नहीं आती है मोना सुस्तानी राजगढ़ वालों,
मामूली परिवार से अगर आती तो इनको जेपी नड्डा सदस्यता नहीं दिलवाते भोपाल में। जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ खड़े होकर मुंह देख रहे हैं कि भैया मोना सुस्तानी जी जो है वो सदस्यता ले रही है, मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर पाया, और उनके सामने जेपी नड्डा उनको जो है कमल का फूल वाली जो पट्टी होती है वो पहना देते हैं और ये सब कुछ हो जाता है, और ये खतरे में डाल रहा है सांसद रोडमल नागर को, उनकी सीट को, यही कहना है। बाकी ये एनालिसिस राजगढ़ की सड़कों पर भी हो रहा है, चाय पीने वाले भी बोल रहे हैं, दूध देने वाले भी बोल रहे हैं, फल बेचने वाले भी बोल रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। राजगढ़ वालों बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, आपके सपोर्ट के बिना हम बहुत अधूरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।